इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। रायजोडेग 100 IU/ml पेनफिलर को अकेले या डायबिटीज की अन्य दवाओं के साथ दिया जा सकता है। आपका डॉक्टर या नर्स आपको त्वचा के नीचे इसे इंजेक्ट करने का सही तरीका सिखाएगा। अधिकतम लाभ पाने के लिए इस दवा को निर्धारित खुराक के अनुसार और नियमित रूप से इस्तेमाल करें। आमतौर पर इसे दिन में एक बार हर रोज एक ही समय पर लिया जाता है। हालांकि ऐसे अवसरों पर जब दिन के एक ही समय पर दवा लेना संभव नहीं हो पाता है, इसे दिन के किसी समय पर लिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करें कि हमेशा खुराक के बीच न्यूनतम 8 घंटे का अंतर हो। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके ब्लड शुगर के लेवल बहुत अधिक बढ़ सकते हैं और आपको गंभीर जटिलताओं के जोखिम में डाल सकते हैं। यह ट्रीटमेंट प्रोग्राम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई एक स्वस्थ डाइट, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। इस दवा का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया है। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा केवल दवा की सही खुराक को इंजेक्ट करना, नियमित रूप से भोजन करना और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करना जरूरी है। अत्यधिक शराब पीने से आपके ब्लड शुगर लेवल में गिरावट भी हो सकती है। अन्य साइड इफेक्ट्स में लालपन, सूजन या हार्ड लंप, लिपोहाइपरट्रोफी जैसी इंजेक्शन लगने के स्थान पर एलर्जी शामिल है। इंसुलिन लेते समय कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है। इस दवा को लेने के दौरान आपको रैश, एडिमा, सूजन या खुजली भी हो सकती है। जब आपका ब्लड शुगर का स्तर कम, हाइपोग्लाइसीमिया हो तो इस दवा का इस्तेमाल न करें। अगर आपको कभी किडनी, लिवर या हार्ट की समस्या रही है तो इलाज शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। रायजोडेग सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन के मुख्य इस्तेमाल। डायबिटीज। रायजोडेग सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन के फायदे। डायबिटीज। रायजोडेग सोपेनफिलर में इंसुलिन डेग्लुटेक होता है जिसमें लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता होती है और इंसुलिन एस्पार्ट होता है जिसकी क्रिया तेजी से शुरू होती है। एक साथ ये तेजी से और लगातार शुगर पर नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं जिससे पूरे दिन के लिए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और डॉक्टर या नर्स इसे इंजेक्ट करने का सही तरीका आपको बताएंगे। ब्लड शुगर के स्तर का प्रबंधन डायबिटीज के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर आप इन स्तरों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप में डायबिटीज के कारण होने वाली गंभीर जटिलताओं जैसे कि किडनी का नुकसान, आंखों में नुकसान, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और हाथ पैरों का नुकसान आदि जैसे जोखिमों की संभावनाएं कम हो जाएगी। उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा का नियमित सेवन आपको स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। रायजोडेग सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। राइजोडेग के सामान्य साइड इफेक्ट। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑटो एंटीबॉडी बनना, सिर दर्द, नासोफेरिंजाइटिस, नाक और गले में सूजन, श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में संक्रमण। राइजोडेग सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें? आपका डॉक्टर या नर्स आपको बताएंगे कि इस दवा का उपयोग कैसे करें। राइजोडेग सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है? रायजोडेग सोपेनफिलर दो इंसुलिन प्रिपरेशन का मिश्रण है, इंसुलिन डेग्लुटेक और इंसुलिन एस्पार्ट। इंसुलिन डेग्लुटेक की कार्रवाई की अवधि लंबी होती है जबकि इंसुलिन एस्पार्ट की कार्रवाई की तीव्र शुरुआत होती है। साथ में मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में शुगर को फिर से बनाने में मदद कर और लिवर में शुगर बनने से रोक कर वे तेज और लगातार शुगर नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।